शाहरुख खान, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, पता नहीं कौन कौन हीरोइंस को हमने रोल मॉडल बनाया। हम पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने को लेकर फिक्र कर रहे थे, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत कर कितनी फिक्र किए थे। उनके हम लोग फॉलोअर्स हैं, हमें सबका सोचने वाला बनना है, नीबर्स को हेल्प करने वाले बनना चाहिए, जलन हसद कीना कपट दिल से निकाल देना चाहिए। आज हमारे दिल में जहर है, मसलकों में हम लोग बढ़ गए हैं, आखिरी दर्जे पर है हमारी कौम, अभी आखिरी दर्जे पर, इतने मसलकों में बिखरे हुए हैं, हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हमें कोई दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हमारे ही लोग दुश्मन हैं। और सबसे ज्यादा दुश्मन तो हमारे रिश्तेदारों में निकलते हैं, भाई भाई की नहीं जमती है, भाई बहन से नहीं जमती है, मामू की भांजे से नहीं जमती है, भांजे की मामू से नहीं जमती है, ये रिश्तेदारों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो कलमा पढ़ने वाला है, मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ, वो रोजा रखता है, मैं रोजा रखता हूँ, उसका अल्लाह एक मेरा अल्लाह है, उसकी कुरान एक मेरी कुरान है, उसका नबी एक मेरा नबी है, लेकिन मैं उससे हसद, मैं उससे जलन, क्या ये दुरुस्त हो सकता है? एक मियार में दो तलवार हो सकते हैं? एक मियार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उसी मियार में उनके फॉलोअर से नफरत, इज इट पॉसिबल? डू यू लाइक प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? डू यू ऑनर हिम? डू यू लव हिम? इफ यू लव प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ यू लाइक प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ यू ऑनर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ यू एडमायर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू मस्ट एडमायर, यू मस्ट लव, यू मस्ट लाइक द फॉलोअर्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वेल। उनके फॉलोअर्स को भी आप लाइक करना, उनके फॉलोअर्स को भी रिस्पेक्ट करना, तभी टीम बनती है। टीम ऐसे नहीं बनती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई टीम की जरूरत नहीं थी, अल्लाह ने ऐसे गजब के पावर से नवाजा था, लेकिन टीम बनाई नहीं, खुल्फाए राशिदीन बनाई बनाई नहीं, बल्कि बोल कर गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाद कोई नबी होते तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्हु होते। बने वो नबी? बने? नहीं बने ना। क्यों बोले? कुछ तो समझो। क्यों बोले? वो इसलिए बोले कि नबी के बाद बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें उनको आप अमीर बनाना, अपना लीडर बनाना, टीम बनाना, मिलकर काम करना। वी आर लीडरलेस कम्युनिटी टुडे। हमारे पास कोई लीडर नहीं है आज, हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं है आज, हमारे पास डायरेक्शन नहीं है लाइफ में, कोई डायरेक्शन नहीं, बस ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यही गोल है, बस बच्चों को पढ़ा दो, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई लीडर हमारा नहीं, कोई रोल मॉडल हमारा नहीं। ये संभलने का वक्त है। आने वाले दिन बड़े खतरनाक दिन है, क्योंकि जिस तरह से मैं फोन्स रिसीव करता हूँ, शायद ही आप लोग जानते हैं, वो हिंदुस्तान के कैसे कोने कोने से माएँ फोन कर कर जो रोते हैं ना, अगर मैं सुनाऊँ आपको, उनके आंसू रोएंगे आप लोग। लेकिन मुझे डर है उस दिन का जब आपके बच्चे होंगे, उस जनरेशन के छोटे बच्चे कैसे होंगे, फिर आपकी शादियां हो जाएंगी, आपको बच्चे होंगे, आपको वहीं स्पॉट पे हार्ट अटैक से मर जाएंगे, फिर ऐसे गुनाहों में मुलविस रहेंगे बच्चे। अगर आप लोग नहीं संभले, आप लोग उनके रोल मॉडल्स नहीं बने, हमें रोल मॉडल्स बनना है। झूठ हमें कतई नहीं बोलना है, गाली हमें कतई नहीं देना है। एक साफ प्लेट पर कुत्ता आकर पेशाब कर दिया आपके सामने, और आपने उसको पानी से साफ कर दिया, फिर उसी में बिरयानी डाला, आप खा सकते हो? आपका दिल गवारा नहीं करेगा, आप भूखे रहना पसंद करेंगे लेकिन आप खाना नहीं खाएंगे। उसी तरह जिस जुबान से आप अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हो, उस जुबान पर आप गाली को बिठा सकते हो? एक जुबान पर अल्लाह, एक जुबान पर गाली कैसे फिट हो सकती, बताइए मुझे। इस एंगल से अगर सोचे तो समझ में आ जाएगा आपको, वाकई में मुझे गाली नहीं देना, क्योंकि ये